हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो पूरा वीडियो में आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब में मैंने जब सर्च किया किसी ने भी फुल डिटेल्स में कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में वीडियो नहीं बनाया। कम्युनिटी गाइडलाइंस क्यों आता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस से आप किस तरीके से बच सकते हो, पूरा इस वीडियो में आप पूरी अच्छी तरीके से वॉच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कम्युनिटी गाइडलाइंस आपके यूट्यूब चैनल में आता था, यूट्यूब क्यों आपके यूट्यूब चैनल को पूरा रिमूव कर देते हैं यूट्यूब से, तो हर एक चीज़ इस वीडियो में अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे वीडियो को पूरे एंड तक देखना, जो जितने भी यूट्यूबर मेरे इस वीडियो को देख रहा, तो अच्छी तरीके से वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना, वरना आपके यूट्यूब चैनल यूट्यूब से रिमूव हो जाएगा कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस किस किस वजह से आता है मैं आपको बताता हूँ। आप किसी की भी वीडियो यूज नहीं कर सकते, किसी की भी म्यूजिक यूज नहीं कर सकते। और एक चीज़ से आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस आता है, वो होता है कोई भी स्पॉन्सरशिप में आप किसी भी ऐप का रिव्यू करने के बाद ऐप का लिंक आप अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देते हो, तो उससे भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाता है। तो उससे भी बचने का उपाय हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे दो फ्रेंड के यूट्यूब चैनल यूट्यूब से पूरा रिमूव कर दिया, क्योंकि उसके यूट्यूब चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गया था। उसने क्या क्या गलती किया वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। और एक मेरे फ्रेंड का यूट्यूब चैनल था माँ काली मोबाइल बोल के, उसके यूट्यूब चैनल में भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गया था, तो मैंने उसके यूट्यूब चैनल को बचा लिया। तो किस तरीके से बचाया मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेरे एक फ्रेंड का यूट्यूब चैनल का नाम था MTY ब्लॉग, उसने खुद का ब्लॉग वीडियो अपलोड किया, फिर भी उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गया। फिर उसके बाद उसके यूट्यूब चैनल पूरा यूट्यूब से रिमूव कर दिया, क्योंकि उसने ऐसा क्या गलती किया अपने ब्लॉग में मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ, उसके ब्लॉग वीडियो में उसने मेरे बंगाली में जो म्यूजिक होता है, बंगाली म्यूजिक डांस वगैरह का, उसका म्यूजिक उसने यूज कर लिया था अपना ब्लॉग वीडियो में। तो यूट्यूब की तरफ से उसको पहले उसके वीडियो को रिमूव कर दिया गया था यूट्यूब से, तो उस वक्त उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस कुछ भी नहीं आया था। उसके बाद भी उसने फिर उसको वीडियो अपलोड कर दिया, जिसके कारण उसको 7 डेज के लिए उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस मिला। तो उसको लग रहा था, वो तो नया यूट्यूबर था, उसको नहीं मालूम था। उसने फिर से उस वीडियो को अपलोड कर दिया, जिसके कारण उसका यूट्यूब चैनल रिमूव हो गया यूट्यूब चैनल से। तो आप लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए, आपको जब भी कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाता है अपने यूट्यूब चैनल में, तो यूट्यूब आपको पहले 7 डेज के लिए आपको वार्निंग देता है, उसके बाद आपके तो 7 डेज के अंदर आप कोई भी वीडियो अगर अपलोड कर देते हो तो यूट्यूब आपके यूट्यूब चैनल को पूरा रिमूव कर देगा यूट्यूब से। तो और एक मेरे फ्रेंड के साथ हुआ, उसके यूट्यूब चैनल 22,000 सब्सक्राइब था, फिर भी उसके यूट्यूब चैनल उसको यूट्यूब से पूरा रिमूव कर दिया। तो क्यों रिमूव किया मैं आपको बताते चलूँ, वो अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर गेन करने के लिए किसी के भी वीडियो उठा उठा के लेके आ रहा था। तो उसके यूट्यूब चैनल का नाम था इसके लकी ब्लॉग बोल के, उसके सब्सक्राइबर 22,000 सब्सक्राइब उसने बढ़ा लिया, फिर भी वो अपने यूट्यूब चैनल में दूसरों के वीडियो यूज कर रहा था, मतलब किसी की भी वीडियो उठा उठा के अपने यूट्यूब चैनल में लेके आ रहा था, जिससे उसका यूट्यूब चैनल भाई सब्सक्राइब तो बहुत तेज़ी से गेन हो रहा था। तो उसने गलती ये किया भाई, अभी ट्रेंड में जो चल रहा है ना कामवाली बाइक का जो वीडियो, तो उसने उसी वीडियो को यूज कर लिया। तो YT स्टूडियो में जाके उसने जब देखा उस पर बैन वाला ऑप्शन आ गया था, तो मगर YouTube में उसका वीडियो शो नहीं कर रहा था, तो उसने उसको उस वीडियो उसको लगा उसने वो वीडियो अपलोड ही ठीक से नहीं किया, जिसके कारण उस वीडियो को उसने फिर से काट के फिर से अपलोड किया। फिर से अपलोड करने की वजह से उसके YouTube चैनल में फिर से बैन वाला ऑप्शन आ गया, बाद में उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गया। तो गाइडलाइंस जब आ गया उसके YouTube चैनल में, तो 7 डेज के लिए पहले उसको वार्निंग दिया गया, उसके अंदर उसने फिर भी एक वीडियो अपलोड कर दिया, जिसके कारण उसको फिर से 90 डेज के लिए उसको फिर भी वार्निंग मिला था। मतलब 90 डेज के अंदर आप कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, उसने फिर भी एक वीडियो अपलोड कर दिया, जिसके कारण उसके YouTube चैनल YouTube से पूरा रिमूव कर दिया। तो मैं आपको बताता चलूँ, आप किसी की भी म्यूजिक यूज नहीं कर सकते, नो कॉपीराइट म्यूजिक आप यूज कर सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको कुछ बड़े म्यूजिक कंपनी के बारे में बता देता हूँ, जिससे टी सीरीज हो गया, एस सीरीज हो गया, इन लोग का अगर आप म्यूजिक यूज करते हो तो आपको ओनली फॉर कॉपीराइट क्लेम मिलेगा, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका कोई वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आपके वीडियो के साथ उस म्यूजिक को यूज करने से आपको ओनली फॉर उसका रेवेन्यू, उसका जो पैसा बनेगा वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस पर आपका कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। उसका जो पैसा बनेगा वो टी सीरीज व एस सीरीज के पास चला जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, आप फेस वैल्यू के लिए अगर उसके म्यूजिक को यूज कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो कुछ म्यूजिक चैनल है जो अपना कंटेंट आईडी लेके रखते हैं, उसके म्यूजिक अगर आप यूज करते हो तो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगा, मतलब आप उस वीडियो में आपको देखो बैन का ऑप्शन मिलेगा, मतलब बैन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप उस वीडियो को जब भी अपलोड कर दोगे देखोगे आपके यूट्यूब में शो नहीं करेगा, मगर YT स्टूडियो में शो करेगा। तो इसी तरीके से आपको वीडियो एक बार से दो बार यूज करने के बाद आपको उस वीडियो को अपलोड नहीं करना, वरना आपके चैनल में 3 बार से ज़्यादा आप यूज कर लेते हो तो आपको बैन वाला कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगा। अब स्पॉन्सरशिप में जो ऐप्स
उसका जो रिव्यू करने बोलता है उसके कारण भी आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाता है। क्यों आते हैं? क्योंकि उस ऐप्स में कुछ हार्मफुल बात होते हैं जिसके कारण आपको उस ऐप्स को कोई यूज करता है तो उसको उससे उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको उसको नुकसान मिलेगा। तो इसी तरीके की वीडियो आप अगर बनाते हो तो आपको 100% कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएगा। आप भी अपने यूट्यूब चैनल को 7 दिन तक अपने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाओगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।